है पब्लिक क्या बोल रही है। हाँ, प्रभास की पब्लिक कहाँ पे? प्रभास की पब्लिक, उसके बाद सलार की पब्लिक कहाँ पे? भाई देखो, आज दो चीज हुई थी, बात हमने एक ही चीज का किया था। पहली चीज ये हुई थी कि भाई फाइटर पोस्टपोन्ड हो गया। हालांकि ये तो भाई मैंने आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि भाई फाइटर का तो आगे रिलीज हो जाएगा या फिर बाद में रिलीज हो जाएगा। एक डेट के ऊपर दो बड़ी मूवी क्लैश नहीं हो सकती भाई, बहुत लॉस होता है। सबसे पहले यार फैंस का लॉस होता है, दो दो मूवी आ रही है, उसके बाद एडवांस बुकिंग का लॉस, कलेक्शन का लॉस, स्क्रीन का लॉस, भाई मतलब फायदा है ही नहीं कहीं से भी, कहीं से भी फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा सिर्फ हेटर्स लोगों का होता है। ऋतिक के फैन प्रभास को गाली दे देंगे, प्रभास के फैंस ऋतिक को गाली दे देंगे, और अगर खुदा ना खास्ता किसी एक मूवी का रिव्यू बेकार आ गया रहा, फिर वो मूवी तो पूरा बैठ जाएगा, और जिसका रिव्यू अच्छा आ गया वो निकल जाएगा। तो भाई बहुत लॉस होता है। ठीक है भाई, देखो एक सिंपल सी बात है, अब यहां पर फाइटर पोस्टपोन हो गया। मैं आता हूं प्रभास की सलार के ऊपर। ठीक है, अब सलार हो रही है सोलो रिलीज। ठीक है, सलार सोलो रिलीज हो रही है। देखो मैं एक्चुअली यार होनेस्टली आपको बताऊं, मेरे को प्रभास से बहुत उम्मीदें था, मेरे को आदि पुरुष से उम्मीदें था। अगर आपको पता हो तो मेरे आदि पुरुष के ऊपर 8-10 वीडियो पहला है, एंड उसके ऊपर मैंने आदि पुरुष के नाम पे मैंने आपको बोला था कि भाई ये सिर्फ इंडिया से 1000 करोड़ कमाएगी, भाई वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ कमाएगी, इतनी लैंग्वेज इस पर रिलीज होने वाला है, ऐसा मूवी है वैसा मूवी है, ये VFX होगा, ये होगा, नेपाल में ये करेगा वो करेगा। बट जब उसका टीजर आया, जो कॉन्ट्रोवर्सीज उसका हुआ, वो आप उसके आप जितना भी उसका वो 3D वर्जन को लेके लो, बोलते हैं हमारा 3D मूवी है ये वो है, उसको ले लो। ठीक है, उसके VFX को लेके ले लो, या फिर कैरेक्टर्स के डिजाइन को लेके ले लो, उनके लुक्स के लेके ले लो, जो भी था भाई आदिपुर उससे टोटली डिसअपॉइंटेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट के की बात करूँ, प्रोजेक्ट के आई थिंक 2024 में रिलीज होने वाला है, तो वो आसपास भी नहीं है, तो उसको भी हटा सावन की घटा। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है सलार। क्योंकि देखो बाहुबली के बाद आप देखो साहो कुछ दम नहीं था, उसके बाद राधे श्याम उसमें भी कुछ नहीं था। ठीक है, प्रभास ने बाहुबली दिया, उसके बाद जो वो भाई चांद के ऊपर रातों रात आसमान पे जो चढ़ा था प्रभास, उसको सही से प्रभास ने यूज किया नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर को भी प्रभास का यूज करना अभी तक आया नहीं है, सॉरी टू से। उस बंदे को अभी तक बाहुबली के बाद ऐसा कोई डायरेक्टर ही नहीं मिला है कि भाई मतलब भाई वो प्रभास को सही तरीके से यूज कर सके। जिस तरीके से प्रभास एक्शन करता है, वो जिस तरीके से भाई लव स्टोरी वाला मूवी मैंने उसका देखा हुआ है, जिस तरीके से बंदा एक्टिंग करता है, वो जो एक्टिंग निकालने वाला बात होता है ना, सॉरी टू से अभी तक भाई राधे श्याम के मेकर्स एंड साओ के मेकर्स, वो लोगों ने प्रभास का सही से यूज ही नहीं किए। प्रभास का आप सही से कोई यूज कर सकता है ना, तो प्रसाद नील कर सकता है। ताना जी अब ओम रावत से उम्मीद था मेरे को, ओम रावत ने भी टोटल डिसअपॉइंटेड कर दिया। क्योंकि प्रभास के बर्थडे पे आपकी मूवी 2 महीने बाद रिलीज होने वाली है, उसके बर्थडे के दिन आप एक VFX फिल्टर वाला पोस्टर रिलीज करते हो, तो यही ये दिखाता है कि आप कितना डरे हुए हो अंदर से। तो भाई आज के टाइम पे आप देखो, अगर मुझसे पूछते हो सलार के सलार सिर्फ एक ऐसा मूवी है ना जो कि प्रभास को आई थिंक प्रशांत नीली है जो सही से यूज कर सकते हैं, एंड प्रभास को जो सही तरीके से यूज कर सकता है, प्रभास का कोई मूवी है जो कि भाई छा सकता है एंड प्रभास उससे फिर से कम बैक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सलार है। एंड सलार नाउ सोलो रिलीज हो रहा है, एंड देखो प्रशांत नीली उसके साथ KGF का कनेक्शन भी है। देखो यार, अगर सलार पहले दिन 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती है, मुझे लगता है डेफिनेटली करेगी, मुझे लगता है कि भाई जबरदस्त तरीके का कलेक्शन लेके आए हिंदी से, ये मेरे को लगता है 500 करोड़ आराम से लेके आएगी। इंडिया से इसका 1000 करोड़ का कलेक्शन होगा सारी के सारी लैंग्वेज से मिला के, एंड वर्ल्ड वाइड तो आप मुझे लगता है KGF का रिकॉर्ड भी डेंजर में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो भाई अब ये जो मूवी है, ठीक है, अगर ये प्रभास का मूवी चला भी ना, तो मैं यहां पर भाई प्रभास को क्रेडिट नहीं दूंगा। यहां पर भाई क्रेडिट देना पड़ेगा डायरेक्टर को, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। भाई प्रभास तो राधे श्याम में भी था, उसने हिंदी में पार्ट दिया, प्रभास तो वो कौन सी यार अभी साहो में भी था, उसमें आप प्रभास का एक्टिंग उठा के देख लो। डायरेक्टर को यह नहीं पता है कि प्रभास से एक्टिंग कैसे करवाना है, डायरेक्टर को यह नहीं पता है कि भाई स्टोरी किस तरीके से दिखाना है, प्रभास को क्या काम करवाना है, उसको एक्शन कब करवाना है, उसको कॉमेडी कब करवाना है, और पता नहीं विनर विनर चिकन डिनर कर रहे हैं साहो के अंदर। मतलब क्या डायलॉग, क्या स्टोरी, क्या कंटेंट, प्रभास को क्या एक्टिंग करवाना है, क्या रोल देना है, किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। भाई जब तक सही डायरेक्टर मिलेगा नहीं ना, प्रभास का मूवी चलेगा ही नहीं। एंड प्रशांत नील जब लेके आएगा सलार, तभी मुझे लगता है ये चलेगा। एंड हिंदी में 500 करोड़ अभी से मैं बोल रहा हूँ, एंड सिर्फ इंडिया से 1000 करोड़ कमाएगा, वर्ल्ड वाइड ये KGF का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, जो भी 1500-1600 करोड़ का रिकॉर्ड होगा ये। एंड जब सलार चलेगा ना, तो वहाँ पर प्रभास प्रभास करके मत आना, ठीक है। प्रभास 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 होता ना, तो राधे श्याम और सलार भी राधे श्याम और साहो भी 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमाता इंडिया के अंदर, सिर्फ प्रभास प्रभास होता। तो भाई मेन चीज होता है डायरेक्टर, मेन चीज होता है कंटेंट, उसके बाद
हीरो तो आता है, ठीक है भाई, जब तक सही डायरेक्टर नहीं पकड़ोगे ना तब तक मेरा घंटा भी नहीं चलेगा। एंड मुझे लगता है कि भाई अब सलारी एक ऐसा मूवी जिसकी सोलो रिलीज हो रहा है, एंड मुझे लगता है भाई इंडिया से 1000 करोड़ कलेक्शन लेके आएगा। एंड प्रसाद नीली एक ऐसा डायरेक्टर जो कि भाई सलार के अंदर प्रभास का सही से यूज कर सकता है। एंड प्रोजेक्ट के एंड आदि पुरुष से मुझे इतना उम्मीदें नहीं रहे, और स्पिरिट विरिट तो अभी कुछ काम वाम चालू हुआ नहीं है, काम धंधा कुछ हुआ नहीं है उनका, तो उसके बारे में अपन को बात नहीं करना है। बट सलारी एक ऐसा मूवी मेरे को लग रहा है जो कि भाई प्रभास को कुछ एक अपना जो फैन बेस जो है, जो कि उसको अपनी इज्जत बचानी है, अब प्रभास को इज्जत बचाने वाला काम करना है। अब प्रभास को चाहिए एटलीस्ट इज्जत बचा ले वो, क्योंकि बाहुबली के बाद आप देखते हो प्रभास 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 इतना हो रहा है, बट बैक टू बैक दो फ्लॉप दे दिए उसने। अगर तीसरा ये जो अब मैं बात करता हूँ, देखो एक्चुअली हर एक चीज़ कलेक्शन से मैटर नहीं करती है, हर एक चीज़ कलेक्शन से मैटर नहीं करती भाई। आपकी मूवी इस नाम से भी जानी जाती है कि भाई आपने कंटेंट कैसा दिया, उस मूवी का कंटेंट कैसा था, उस मूवी का भाई एक्टिंग कैसा था, उस मूवी में भाई एक्टर ने काम कैसा किया, डायरेक्शन कैसा था। भाई आज के टाइम में फ्लॉप मूवी को भी लोग बार बार देखते हैं इन OTT ऑन यूट्यूब वगैरह वगैरह वगैरह, क्यों? क्योंकि भाई काम जबरदस्त होता है, कंटेंट जबरदस्त होता है, स्क्रिप्ट जबरदस्त होती है। बट आपकी मूवी में कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कितना भी कलेक्शन लेके आ जाए, अगर वो मूवी में कंटेंट अच्छा नहीं है, स्टोरी नाम का नहीं है, तो मूवी कोई काम का नहीं रहता है। एंड आप देखो जितना भी अब प्रभास का जो अपकमिंग मूवीज है उसमें से एक ही मूवी है जो कि मुझे लगता है कि भाई प्रभास को इज्जत बचा सकता है प्रभास का, वो है सलार। एंड आई होप कि सलार चलेगा। एंड सबसे पहले तो प्रभास को ये देखना पड़ेगा कि भाई उनको कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना है। एंड डायरेक्टर को प्रभास से काम निकालते आना चाहिए भाई। अब प्रभास का एक चीज तो देख लिया, डायरेक्टर जो बोलता है ना वो करता है। वो राजेश्या में पता नहीं वो क्या क्या करवा दिए, साहो में पता नहीं क्या क्या करवा दिए, छतरी पकड़ के एंट्री करवा दिया और विनर विनर चिकन डिनर पे एक्शन करवा दिया। तो भाई ये चीज देखना पड़ेगा प्रभास को कौन से डायरेक्टर को पकड़ना है और कौन से डायरेक्टर को नहीं पकड़ना है। एनीवेज यार मुझे लगता है कि भाई प्रभास की अपकमिंग जो मूवी है ना उसमें सिर्फ सलार मुझे लगती है जो कि भाई प्रभास का इज्जत बचा सकती है। आप भले जो भी बोल लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बट सिर्फ मेरे को सलार से उम्मीद रह गया है कि भाई सलार आने वाले टाइम में भाई झंडे गाड़ सकती है प्रभास के लिए। एनीवेज ये जो सोलो रिलीज हो रही है ना इसका भी फायदा होगा। एंड आप देखो कलेक्शन जबरदस्त निकल के आएगा, चाहे वो हिंदी से लो, तमिल, तेलुगु, जितने भी लैंग्वेज में रिलीज होगा, वर्ल्ड वाइड से रिलीज होगा, बहुत सी चीज वहां पर है यार, ठीक है। आप वहां पे प्रभास का स्टारडम भी देख लो, उसके बाद KGF कनेक्शन देख लो, उसके बाद प्रसाद नील कनेक्शन देख लो, प्रसाद नील कनेक्शन, उसके बाद आप हम्बले फिल्म प्रोडक्शन हाउस कनेक्शन देख लो, कन्नड़ा कनेक्शन देख लो। हालांकि आप बोल सकते हो तेलुगु तमिल वगैरह का सिर्फ डायरेक्टर है, बट फिर भी भाई जो डायरेक्टर हो गया, जो प्रोडक्शन हाउस है वो कन्नड़ा से बिलोंग करता है, तो भाई ये सब चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। आप देखो वहाँ पर RRR इतना क्यों चली, मैं वहाँ पर जूनियर NTR एंड रामचरण से ज़्यादा क्रेडिट वहाँ पर सारे के सारे SS राजामौली सर को देते। भाई डायरेक्टर फाड़ होना चाहिए आपका, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। आज के टाइम में कांटारा जैसी आप देखो, आप सीतारामम जैसी मूवीज क्यों चल रही है, उनके हीरो को पहले कोई जानता भी नहीं है फिर भी चलती है भाई, क्यों? रीज़न ऑफ कंटेंट। तो आप कंटेंट के पीछे भागोगे और आपका फैन फॉलोइंग तो मसाले इतना जबरदस्त है तो आपका चलेगा ही भाई। आप फ्यूचर के साउथ के सलमान खान ना बनो तो मेरी एक राय है यार, सलमान खान की भी यही गलती है, अक्षय कुमार का भी सेम गलती है। स्टारडम तो है बट इतना चूतिया कंटेंट दे के पूरी के पूरा फैन फॉलोइंग का वाट लगा दिया है। ऑडियंस मूवी रिलीज होने से पहले 50 बार सोचती है जाना या नहीं जाना है, अगर गए तो मर के ना आ जाए हम लोग। तो प्रभास अगर एक दो और फ्लॉप दे दिया ना तो इसका फैंडम और इसका स्टारडम भी अच्छी मूवी को भी नहीं बचा पाएगा फिर, क्योंकि भाई जब ऑडियंस खराब मूवी देखने के लिए जाती है उनको पछता नहीं है ना, तो ऑडियंस के दिमाग में भाई वो एक डाउट हो जाता है कि भाई पिछले 3-4 मूवीज ने फ्लॉप दिया, आप देखने जा रहा है नहीं जा रहा है, पहले तो पैसा का नुकसान हो चुका है, पहले टाइम बर्बाद हो चुका है, पहले हिडेज हो चुका है, तो अब बेकार में हिडेज क्यों करवाने का, पैसा क्यों बर्बाद करने का। तो उसके बाद अच्छी मूवी को भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ये हमने अक्षय कुमार के साथ देखा, ये हमने राम सेतु के साथ देख रहे कि अच्छा मूवी भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि भाई आप इससे पहले अच्छा कंटेंट लेके नहीं आते हो। तो आई होप कि भाई प्रभास समझेगा और अच्छे डायरेक्टर के पास जाएगा एंड अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करेगा। एनीवेज मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।